कोई नहीं, पुलिस ने जो है दो दिन से जो दबिशें दी हैं घरों पर जा जा करके कहा है हमारे कार्यकर्ताओं को तीन दिन के लिए आप यहाँ से छोड़ दो क्षेत्र जिले को, और अगर नहीं छोड़ोगे तो पूरे परिवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अभी आप लोगों के से मेरी गुजारिश है, शिकायती पत्र कोई दिया है आपने? उसकी कॉपी हमें। ये बेनिहायत डर पैदा करने के, भय पैदा करने के लिए बहुत सारे इसमें ऐसे हैं जो स्टूडेंट हैं जो चाय पी रहे थे, हमारे पास सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी है कि जो उनको घर से जबरदस्ती ला ला करके पकड़ा गया है। तो इसलिए अगर ऐसी कार्रवाई होती है तो हमने कह दिया तो फिर बेकार है, हम चुनाव लड़ने से क्या करेंगे, हम घर पर बैठ जाते हैं, चुनाव का बहिष्कार कर देते हैं। लेकिन इस टाइप की प्रक्रिया अपनाना हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करने के हैं। हम अपने शांति व्यवस्था के तहत अपने चुनाव को लड़ना चाहते हैं और यहाँ पर जो है व्यवस्था खराब, माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है हमारे वोटर्स को गिरफ्तार करके। डीएम और एसपी से मिले हैं, क्या मामला है? देखिए हम इसलिए मिले हैं कि क्योंकि हमारे साथ कोई पक्षपात की जो कार्रवाई है वो आगे को नहीं हो और बिल्कुल बगैर किसी भेदभाव के चुनाव हो सके। लेकिन इस समय जो कल से जो कार्रवाई की गई है पुलिस की तरफ से एक तरफा कार्रवाई, उसके सिलसिले में मिले हमारे समाजवादी जितने भी वोटर्स हैं जिनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, कोई एनसीआर नहीं है, उन कोई अगर होटल पे बैठ के चाय पी रहा है, मस्जिद से नमाज पढ़ करके निकल रहा है, घर में है, ज़बरदस्ती उठा उठा करके ला करके उनको बंद किया गया है, पुलिस की तरफ से दबिशें दी गई हैं लोगों के घरों पे, जो कार्यकर्ता हमारे चुनाव लड़ा रहे हैं उनसे कहा गया कि अगर तीन दिन तक गायब नहीं हुए यहाँ से तो मुकदमे तुम्हारे और तुम्हारे पूरे परिवार पर लिख दिए जाएंगे। ऐसे कितने आदमी गिरफ्तार किए गए? ऐसे एक थाना नखासा है, थाना असमोली है, हयातनगर थाना है, बनिया ठेर है और कोतवाली संभल है, करीब ऐसे 400 के आसपास आदमी जी, और चंदोसी थाना है, कुर थाना है, करीब ऐसे 400 के करीब आदमियों को गिरफ्तार किया गया है। और फिर ताज्जुब की बात ऐसी है केला देवी में क्या है, जिनके खिलाफ कोई मुकदमा और एनसीआर भी नहीं है। तो ये एक तरफा जो कार्रवाई की जा रही है जानबूझकर चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है और विपक्ष के नाते हमारे पर कार्रवाई हुई है, हम इसकी मजम्मत करते हैं, कंडम करते हैं और हम इसके सारे, मैं और मेरे सारे सीनियर माननीय विधायक मंत्री साहब सब हम लोग और माननीय जिलाध्यक्ष सब लोग हम आए हैं, हमने ये कहा है कि हम जो है चुनाव के लिए, जब चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदान ज़्यादा हो तो आप लोग कौन होते हैं कि हमारे मतदाताओं को रोकने के लिए, लेकिन मतदाता वोटर्स को रोकने के लिए उनके दिल के अंदर डर और भय पैदा करने के लिए इस टाइप की कार्रवाई की गई है जो कि गलत। उन्होंने अभी फिलहाल आगे के लिए तो कहा है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे, हमें ऐसी आशंका है कि ये अभी आगे को भी इस टाइप की कोई कार्रवाई कर सकते हैं या चुनाव वाले दिन हमारे चुनाव को प्रभावित करने के लिए हमारे एजेंट को या हमारे वोटर्स को रोकने के लिए गिरफ्तार कर सकते हैं। इसलिए मैं चुनाव आयोग से तत्काल तौर से मैं मांग करता हूं यहां पर एक अलग से जो ऑब्जर्वर की तैनाती की जाए जो, और जो कि इसमें ये सुनिश्चित करें कि हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं हो, जो संविधान के जरिए हमारे हर वोटर्स को वोट देने का अधिकार है वो अपने वोट का इस्तेमाल कर सके। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।